हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर के 150 प्लस क्वेश्चन के बारे में, 150 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन के बारे में। इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, 150 क्वेश्चन का है ये, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। चाहे आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे डीसी के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई सभी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सीधे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बैबेज है कंप्यूटर के आविष्कारक। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए इसका, तो क्या करना है आपको, पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, उसमें आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है। उसमें हम लोग टेलीग्राम में इस पीडीएफ को शेयर कर दिए हैं, वहाँ जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो सीधा और इसका तैयारी कर सकते हो, इसको अच्छा से रीड कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, तभी वो पीडीएफ आपका डाउनलोड होने वाला है, क्योंकि उस पीडीएफ में जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ है, और इस उसको पीडीएफ का पासवर्ड आपको लास्ट में बताया जाएगा कि उस पासवर्ड का पीडीएफ क्या है। तो उस वीडियो को बीच में कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पासवर्ड हम लोग बीच में कहीं पर भी बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बैबेज हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम है आपका इनेक कंप्यूटर। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा इनेक कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में की गई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब चली थी? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में स्टार्ट हो गई थी। कंप्यूटर में महान क्रांति जो है 1960 में थी। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? कीबोर्ड को आपका हिंदी में कहा जाता है कुंजी पटल। हम लोगों कीबोर्ड को हिंदी में कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एक होता है जीपीयू। जीपीयू का पूरा नाम पूछा जाएगा तो जीपीयू का ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल सकते हो आप लोग। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन क्या है? गूगल है सर, याहू है आपका, बैबेज, वाल फ्रॉम अल्फा, ये आपका सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट इकाई है? तो इनपुट इकाई क्या है आपका? माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर, ये सभी क्या है हमारा इनपुट डिवाइस का नाम है, ये जितने भी हैं। तो यहाँ पे इनमें से सभी वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 1 KB में कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 KB इज इक्वल टू कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 KB इज इक्वल टू आपका 10 से 24 बाइट के बराबर होता है। और एक अगर GB पूछा जाता है तो 1024 MB के बराबर आपका 1 GB होता है। तो चलिए आगे देखने वाले इस क्वेश्चन को, 1 MB में कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 MB आपका 10 से 24 KB मिलकर आपका बनता है 1 MB, और 1 GB बराबर होता है, 1 GB बराबर, 1 GB बराबर कितने बाइट होते हैं? तो 1 GB बराबर आपका होता है 10 से 24 MB होता है। कंप्यूटर में IC चिप बने होते हैं, किसके बने होते हैं? जो कंप्यूटर में IC चिप रहते हैं किसके बने होते हैं? तो आपके बने होते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं वो। यहाँ पे इसका राइट आंसर है सिलिकॉन का बना रहता है जो IC चिप रहता है कंप्यूटर में। इंटरनेट के पते में HTTP का सही रूप क्या है? HTTP का पूरा नाम है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर S इसमें ऐड हो जाता है HTTPS, तो S का मतलब होता है सिक्योर। S अगर ऐड हो जाता है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में, बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो लोगो भाषा जो है प्रयुक्त बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है। एक स्वाहा निजी कंप्यूटर जो कि आपकी गोद में रखने छोटा सा होता है क्या कहलाता है? ये नोटबुक कंप्यूटर, जो छोटा कंप्यूटर होता है आपका वो नोटबुक कंप्यूटर कहेंगे, जो छोटा कंप्यूटर होता है। कोंडा तरंग एक प्रोग्राम है, तरह के प्रोग्राम लिखने किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो ये आपका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोड तरंग से मशीन तक के रूप में, ये आपका सही आंसर है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया किसमें होती है? तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होती है इसमें। निम्नलिखित में से किसे ऑप्टिकल मेमोरी कहते हैं? तो ऑप्टिकल मेमोरी किसे कहा जाता है? CD-ROM को ऑप्टिकल मेमोरी कहा जाता है, CD-ROM को। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? जो हमारा CPU होता है उसमें 3 टाइप का होता है। जो हमारा CPU होता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला को बोला जाता है ALU, और दूसरे भाग को उसका बोला जाता है CU, और तीसरे भाग को बोला जाता है उसका MU या ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं उसको। तो हमारा तीसरा भाग होता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। CPU में ALU होते हैं, तो CPU ALU में क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर के रूप में। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग का उपयोग करता है? गणना और तुलना के लिए ALU का भाग काम करता है। जैसे हमारे CPU होता है तो 3 भागों में बटा होता है, पहला ALU, दूसरा CU, तीसरा MU। तो तीनों का काम अलग अलग है। ALU क्या करेगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिक करेगा, मतलब प्लस करेगा, गुणा करेगा, माइनस करेगा, और ये मल्टीप्लाई करेगा। तो पूरा काम क्या रहेगा? ALU का रहेगा। कंट्रोल का काम क्या रहेगा? पूरा कंट्रोल करेगा कंप्यूटर। मेमोरी का यूनिट का क्या काम रहेगा? मतलब पूरे डाटा को स्टोर करने का मेमोरी यूनिट का काम रहता है। तो तीनों भाग का अलग अलग काम रहता है कंप्यूटर का। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थ रूप में इन्फॉर्मेशन परिवर्तित करता है, तो वो प्रोसेसर कहलाता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो जैसे ALU आपका है कंट्रोल यूनिट, एक रजिस्टर, या इसको बोल सकते हैं मेमोरी यूनिट, तीसरा भाग। CPU और IO के बीच सिग्नलों को मेमोरी कौन नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल यूनिट का काम रहता है, नियंत्रित करने का काम सारा आपका, कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का। सेंट्रल एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, गणनाएं करना और प्रोसेसिंग करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं? कंप्यूटर का कौन सा जो बुनियादी कार्य नहीं? तो टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। परिचालन संपन्न करता है, परिचालन कौन संपन्न करता है? तो ये आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ही परिचालन संपन्न करता है, ये वाला।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, तो सीपीयू में होती है। कंप्यूटर में लिखित में से किस में कौन सा कार्य नहीं कर सकता, तो कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो कंप्यूटर का यही है जो कार्य है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में कार्य करती है, तो प्रमुख मेमोरी सीपीयू के द्वारा ही कंप्यूटर में काम किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, माइक्रोचिप कहते हैं, मेन प्रोसेसर कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का दिल और दिमाग ही किसको कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। तो कंप्यूटर का आँख किसे कहेंगे, कंप्यूटर का आँख मॉनिटर को कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम कहलाता है आउटपुट कहलाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कहा जाता है सीपीयू के द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है, प्रोसेस करना, प्रोसेस डेटा को प्रोसेस करके ही प्रोसेस डेटा किया जाता है। सीपीयू का मुख्य घटक है आपका कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीनों कंप्यूटर का हमारा मुख्य यूनिट है। कंप्यूटर की क्षमता क्या है, तो कंप्यूटर की क्षमता क्या है, वो सीमित है। कंप्यूटर जो है सोच नहीं सकता है, तो उसकी क्षमता जो है असीमित नहीं, सीमित है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी, तो कृत्रिम, ये क्योंकि मनुष्य द्वारा बनाया गया है, कंप्यूटर को मनुष्य के द्वारा ही निर्माण किया गया, इसलिए उसकी कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है। मानव मन तथा कंप्यूटर मन में किसकी गति अधिक है, मानव मन की अधिक है, क्योंकि मानव ने ही कंप्यूटर को आविष्कार किया, इसलिए मानव मन की गति क्या है, अधिक है। ईडीपी का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का पूरा नाम आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। यूजफुल इन्फॉर्मेशन को ही कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, वही चिन्हात्मक एवं चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को ही डेटा कहा जाता है। इनपुट का आउटपुट रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा। सीपीयू को ही प्रोसेसर बोला जाता है। कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को क्या क्या कहा जाता है, कंप्यूटर में मतलब जो डाटा लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, इनपुट किया जाता है। कंप्यूटर में फीड करने के डेटा को इनपुट करना बोलते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ, डेटा को प्रोसेसिंग मतलब वाणिज्यिक कार्य के उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या है, बिना स्टाफ के नगदी लेन देन करना, मतलब एटीएम में मतलब स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ता, वहाँ से हम लोग तुरंत कैश निकाल सकते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रदर्शित किया जाता है। डेटा को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, ये कहलाता है आपका प्रोसेसर। प्रोसेसर का ही काम रहता है। प्रथम गणना यंत्र क्या है, तो प्रथम गणना यंत्र का नाम है आपका अबेकस। पैकमैन प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था, तो खेल के लिए पैकमैन जो कंप्यूटर को बनाया गया था। पैकमैन जो प्रसिद्ध कंप्यूटर है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, तो ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। किसने पंचकार्ड का आरंभ किया था, इनमें से किसी ने पंचकार्ड को बनाया नहीं था। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था, तो चार्ल्स बर्ज ने कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर ही सबसे तेज, सबसे फास्ट, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर है। हमारे एक कमरे जितना बड़ा होता है जो सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कामों के लिए जिसके यूज़ किया जाता है वो सुपर कंप्यूटर कहलाता है। सामान्य रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। जो सामान्य लोग हम लोग घर में यूज़ होता है, ऑफिस में यूज़ होता है, ये सब क्या है, आपका डिजिटल कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है। सामान्य रूप से क्रे क्या है, एक सुपर कंप्यूटर, CRAY क्या है, कि सुपर कंप्यूटर का एक नाम है जो क्रे होता है हमारा। मल्टी प्रोग्रामिंग किस पीढ़ी में शुरू हुआ था, तो ये तीसरा पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था, 1976 में विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर हमारा रेडी हो गया था, बन के तैयार हो गया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या, तो सिद्धार्थ है, सुपर कंप्यूटर है जो कि सिद्धार्थ परम सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज, सबसे फास्ट, सबसे महंगा, सबसे बड़ा। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो ये चतुर्थ पीढ़ी का है। भारत में निर्मित परम किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो परम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। जो परम है आपका, जो परम सुपर कंप्यूटर है क्या है, सुपर कंप्यूटर का नाम है। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन में अबेकस का आविष्कार किया गया था। IMAC एक प्रकार का क्या है, मशीन है। IMAC क्या है, एक प्रकार का मशीन है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था चार्ल्स बर्ज ने, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम पंचकार्ड का आविष्कार जोसेफ मेरी ने किया था। कंप्यूटर के विकास के रूप में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो ये सर्वाधिक योगदान है वॉन न्यूमैन का, कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान है। हम लोग समझते हैं आगे, इंटीग्रेटेड चिप सर्किट का विकास किसने किया, तो JS Kelvin ने इसका आविष्कार किया था। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, जो चुंबकीय डिस्क होती है उसमें जो परत रहता है किसका रहता है, आयरन ऑक्साइड का आपका रहता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गणना के आधार पर करता है, मतलब जो अंक होता है उसको, डिजिट होता है उसको अंक के रूप में कैलकुलेशन करता है, गणना करने का काम करता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर विकास संस्था ने किया था, तो CDEC कंपनी सुपर कंप्यूटर को बनाया था, आविष्कार किया था। जिनमें से तेज कौन सा है, सबसे तेज आपका क्या है, रजिस्टर है, बहुत ज़्यादा तेज होता है जो छोटा छोटा प्रोसेसर में लगा रहता है। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनेक बनाया था, तो इसका नाम था प्रेस्पर एकॉट इन जान मुस्लिन मिल के पहला कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस्म का उपकरण किस में, तो डॉट मैट्रिक्स आपका ये प्रिंटर का नाम है। डॉट मैट्रिक्स जो है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितना होती, तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। और कीबोर्ड में आप लोग बताओ सबसे बड़ा की क्या होता है, कीबोर्ड में टोटल कीबोर्ड कितने होते हैं, तो कीबोर्ड में मिनिमम की बात करें तो 104, मैक्सिमम की बात करें तो 115 कीबोर्ड में की होते हैं।
किस प्रिंटर के द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर में प्रिंट होता है, तो आपका लाइन प्रिंटर के द्वारा। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस का नाम है मॉनिटर हमारा। सबसे तेज सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर आपका रहता है लेजर प्रिंटर। LCD का पूरा नाम क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है LCD का पूरा नाम, जो कि एक मॉनिटर का प्रकार है LCD मॉनिटर। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी में डाले गए कार्य प्रदर्शित करता है मॉनिटर में। गेम खेलना किसमें आसान हो जाता है, जॉयस्टिक में गेम खेलना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है जॉयस्टिक की सहायता से। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कुंजी को किसको क्या कहा जाता है, इन कुंजी को मॉडिफायर कुंजी कहते हैं, या कॉम्बिनेशन की बोलेंगे या मॉडिफायर की बोला जाता है कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट बटन को। अधिकांश प्रोडक्ट किसके प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं, जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इस तरीके से ऐसे करके लिखा रहता है इस तरीके कोड के रूप में, उसको क्या बोला जाता है, बार कोड बोला जाता है। OCR का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है OCR का आपका पूरा नाम। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है आपका, तो ये टच स्क्रीन आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट का भी काम करता है और ये आउटपुट का भी काम करता है जो हमारा टच स्क्रीन होता है। व्यक्तिगत कंप्यूटर है तो सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क, सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद आपका CD आया, उसके बाद आपका DVD आया, उसके बाद आपका क्या आया, BRD आया, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, और BRD मतलब ब्लू रे डिस्क। तो सबसे पहले आपका आया था फ्लॉपी डिस्क आया था। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है, जो मॉनिटर होता है हमारे इस टाइप का ऐसे करके, तो जो कितना आकार है, कितना इंच का है, तो इसको कैसे नापेंगे, ऐसे नहीं नापेंगे, इसको डायगनली नापा जाता है ऐसे करके कि मॉनिटर कितना इंच का है करके, ऐसे डायगनली उसको मापा जाता है, तो ये लिखा है डायगनली यहाँ। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डिवाइस है स्कैनर, प्रिंटेड जो है स्कैनर ये। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो इसका माउस का साइंटिस्ट का नाम है डगस एंजलबर्ट, इसी ने कंप्यूटर का पहला माउस बनाया था। जब PC पर किसी भी डॉक्यूमेंट को कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, किसमें होता है, स्थायी रैम में जाके हमारा, जब हम लोग किसी में काम करें कंप्यूटर में, कुछ भी काम करें MS Paint में, MS Word में, तो हम लोग फाइल को जब सेव नहीं किए तो किसमें चल रहा है, जो MS Word हमारा चल रहा है काम करें, किसमें है, रैम में चल रहा है, तो रैम में चल रहा होता है। जब हम फाइल को सेव कर दिए रहते हैं, सेव हो जाता है तो कहाँ जाके, रोम में जाके स्टोर हो जाता है। इसलिए जब हम लोग फाइल को सेव नहीं किए रहते काम करते हैं, लाइट चला जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हमारा जो फाइल रहता है रिस्टोर नहीं होता है, अचानक से चले जाता है। अगर इसको स्टोर कर देते हैं, यहाँ पर सेव कर देते हैं, तो यहाँ पर स्टोर हो जाता है वो। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या कहा जाता है, तो भीतरी जो है कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी होता है भीतर की मेमोरी, जिसको रैम बोला जाता है। और फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, तो एक्सटर्नल मेमोरी जो होता है हमारा। रैम किस तरह की मेमोरी है, तो ये मुख्य मेमोरी है। और रैम को आपका प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हो, प्राइमरी मेमोरी आपका दो टाइप का होता है, रैम और रोम होता है। रैम में किस प्रकार की रैम नहीं, तो PRAM हमारा नहीं होता है, PRAM तो है ही नहीं है रैम का। और आपका रैम का दो टाइप होता है, SRAM और एक DRAM, SRAM और DRAM। SRAM का स्टैटिक रैम, D का मतलब डायनेमिक रैम, का आपका दो ही प्रकार है। सेल फोनों में से किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, कैश मेमोरी का, मोबाइल में इसका यूज़ किया जाता है कैश मेमोरी का। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है, प्राइमरी, इंटरनल मतलब प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं। किस मेमोरी में रखा गया डाटा बिजली जाती ही समाप्त हो जाता है, तो रैम में, रैम में जो डाटा रखा है बिजली चला जाता है, तो हमारा जो डाटा रहता है वो भी क्या हो जाता है, चला जाता है। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है, CD को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस है मैग्नेटिक टेप। CD से आप क्या कर सकते हैं, डाटा को पढ़ भी लग सकते हैं, लिख भी सकते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या DVD भी बोल सकते हो, या डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकते हो आप लोग। कौन से डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है, तो माइक्रो प्रोसेसर DVD का उदाहरण है, DVD आपका है ऑप्टिकल डिस्क हमारा DVD उदाहरण है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को कहा जाता है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी आपका प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज, ये सभी हमारा। डिस्क को ट्रैक करो और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग कहा जाता है, फॉर्मेट करना उसको डिस्क को। निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, रैम आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है आपका, CD फ्लॉपी डिस्क की सभी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण रखता है, सेकेंडरी मेमोरी में जो हमारा है फाइल वो स्टोर होकर रहता है। DVD का पूरा नाम क्या है, DVD का जैसे पहले ही बता दिया, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है हमारा पूरा DVD का नाम। CPU के लिए सामान्य गणितीय परफॉर्म करता है, तो ALU गणितीय काम करता है, मतलब कुछ भी कैलकुलेशन करना रहता है तो CPU का ALU पार्ट सॉल्व करता है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच में इंफॉर्मेशन किस किस माध्यम से ट्रेवल करता है, तो बस के माध्यम से ट्रेवल करता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, मदरबोर्ड, जो कंप्यूटर हमारा रहता है मदरबोर्ड में अपने आपस में वो कनेक्ट रहता है। PC का पूरा नाम क्या होता है, PC का पूरा नाम आपका है पर्सनल कंप्यूटर, PC का पूरा नाम। एसेसरी जिस स्थान पर सिस्टम से यूनिट जुड़े रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पोर्ट कहते हैं, पोर्ट, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसी पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं आपस में। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है, IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का पूरा नाम। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों और साउंड में कौन सा पोर्ट जोड़ता है, MIDI आपका पोर्ट को जोड़ता है। कंप्यूटर संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, मदरबोर्ड आपका नियंत्रण करता है इसका। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला हार्डवेयर क्या है, डिस्क ड्राइव, जो डिस्क में जो डाटा रहता है उसको पढ़ने का काम करता है आपका डिस्क ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थिन प्लेट को बोर्ड को कहा जाता है, सर्किट बोर्ड कहा जाता है।
उसको सर्किट बोर्ड कहा जाता है। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किया जाते हैं, स्लॉट में किया जाते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है, बीट में किया जाता है। कंप्यूटर में घड़ी की जो गणना होती है उसकी गणना स्पीड में बीट्स में बना पा जाता है। मदरबोर्ड में क्या रहता है, जो मदरबोर्ड पर सीपीयू एक दूसरे पुर्जे को जोड़े रखता है, तो सिस्टम बस के जरिए जुड़ा रहता है हमारा। किस उपकरण का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर में प्रोग्राम किया गया था, तो मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर था, जो मशीन लैंग्वेज को समझता था वही उस कंप्यूटर को यूज़ कर पाता था। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का आविष्कार किया था, जॉन जी कैमी ने बेसिक भाषा का आविष्कार किया था। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था, तो 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का आविष्कार हो गया था। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। किसी प्रोग्राम के चित्र के रूप उसको समझाना प्रदर्शित करना फ्लो चार्ट के माध्यम से फ्लो चार्ट बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, फोरटान जो है, फोरटान का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोरटान का पूरा नाम अगर पूछा जाता है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, व्यावसायिक कार्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है हमारा। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, तो कोबोल भाषा का, कोबोल का पूरा नाम है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस, ये इसका पूरा नाम है, इसका बता देंगे आगे आप लोगों को। अंग्रेजी भाषा के सामान्य उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है आपका कोबोल भाषा है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक है सन माइक्रोसॉफ्ट, जावा के जो आविष्कारक है किसने, सन माइक्रोसॉफ्ट ने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया था। सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं, सारे कंप्यूटर में आपका मशीन भाषा लैंग्वेज होता है। तो जो हमने इसका पीडीएफ दिया है, जो आपको टेलीग्राम में शेयर किया है, तो इस पीडीएफ का जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ये पासवर्ड तभी खुलेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं, तो इस पासवर्ड का, इस जो पीडीएफ है ये हमारे पीडीएफ का पासवर्ड है। आप लोगों को पासवर्ड लिख के रख लेना है 906020, ये हमारा क्या है पासवर्ड है। इसी पासवर्ड को लो आप इंटर करोगे तभी हमारा ये पीडीएफ खुलेगा। इसका जो पीडीएफ शेयर है हम लोग टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दें, उस पर क्लिक करना है, जहाँ टेलीग्राम खुलेगा वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। 150 क्वेश्चन एमसीक्यू करके रहेगा, उसका टाइटल उस पर क्लिक करना है, फिर ये वाला पासवर्ड इंटर करना है आपको 90, 60 और 20, 90, 60, 20 करके, तो ये आपका पीडीएफ खुल जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो जावा हमारा है। इंटरनेट पर जो प्रयुक्त लैंग्वेज जावा का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया जाता है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली विशेष के रूप में किसे प्रयोग में लाई जाती है, तो वेब सर्वर्स के रूप में। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंटरप्रेटेड प्रोग्राम है, हाई लेवल लैंग्वेज। एक गलती एल्गोरिथम जिसके द्वारा गलत परिणाम निकलते हैं उसे क्या कहा जाता है, लॉजिकल एरर कहा जाता है। मतलब गलत परिणाम आ जाता है तो उसको एरर बोला जाता है, लॉजिकल एरर। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड। कंप्यूटर डाटा स्टोर गणनाएं करने के लिए किस नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, बाइनरी नंबर का यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो टीबी है इसमें का। बिट का लघु रूप क्या कहलाता है, बाइनरी डिजिट। बिट का लघु रूप है, बिट से भी छोटा है बाइनरी डिजिट, जिसमें दो अंक आता है 0 और 1। 0 आपका अगर कंप्यूटर 0 है, कंप्यूटर अगर 0 है तो ऑफ अवस्था में, अगर कंप्यूटर 1 है मतलब कंप्यूटर ऑन अवस्था में है, तो चालू अवस्था में है तो 1 है, अब 0 अवस्था में है तो कंप्यूटर 0 है ऑफ है मतलब। तो बाइनरी में आपका सिर्फ दो ही अंक होंगे 0 और 1। 1 बाइट कितने विकल्प होते हैं, 8। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कहलाती है बिट, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई आपका कहलाती है बिट। कितना बाइट 1 किलोबाइट के बराबर है, तो 10 से 24 बाइट मिलके के भी मिलके बनता है आपका, बाइट मिलके के भी बनता है। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, जैसे बताए थे पहले बाइनरी डिजिट 2 अंकों का होता है 0 और 1, तो 2 अंकों का होता है ये आपका। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट के रूप में स्टोर करने की विधि को क्या कहा जाता है, तो कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। अब हम लोग बढ़ गए लास्ट क्वेश्चन की ओर, 147 के। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, बिट में मापा जाता है। लॉजिकल गेट क्या है, तो एक प्रकार का सर्किट है, लॉजिकल जो गेट है एक प्रकार का क्या है, सर्किट है। कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है, डिजिटल डाटा के रूप में इस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। अब इस क्वेश्चन की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बन जाता है, इसका नाम है कौन सा एक प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर को उपयोग करना आसान हो जाता है, तो इसका नाम है यूटिलिटी। यूटिलिटी प्रोग्राम एक ऐसा है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना क्या हो जाता है, बहुत ही आसान होता है। तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, अगर पूरा देखे आप लोग तो सारा क्वेश्चन आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। और कोई से भी आप एग्जाम दिलाओगे चाहे आप कंपटीशन एग्जाम का, तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफ़ी आप लोगों के हेल्प करेगा। सीसी एग्जाम में से इसमें से कुछ क्वेश्चन ही आ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।